हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 14th मार्च 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी। स्पेशल नॉलेज में हम बहुत अच्छा अच्छा कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। स्टेट में कर्नाटक को डिस्कस कर लेंगे। स्टैटिक जीके में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में फुल फॉर्म्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन हम ओरली बोलते जाएंगे, आंसर्स उसमें लिखे हुए हैं। ओके, और कल जो 2 सवाल पूछे थे किसी ने भी आंसर नहीं किया तो उसका आंसर हम दे देते हैं, जवाब कल के सवालों के। तो HDFC की फुल फॉर्म पूछी थी तो हम HDFC के बारे में इतना बता देते हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है। HDFC की स्थापना हुई थी 1977 में, मुख्यालय है मुंबई में। अगर प्रमुख व्यक्ति पूछ ले जाए तो वो है हसमुख पारेख। ओके, एंड HDFC की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट जो पूछी थी ICICI बैंक की फुल फॉर्म पूछी थी तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2018 UPPCL का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। जिन्होंने भी कानपुर में एग्ज़ाम दिया था उनके में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो सेकेंड सी है उसका फुल मतलब उसका क्या तात्पर्य है और फर्स्ट वाला सी उसका क्या, तो क्रेडिट फर्स्ट वाला सी है, कॉरपोरेशन सेकेंड वाला सी है। ओके, थर्ड आई का क्या मतलब इंडिया है, फर्स्ट आई का मतलब है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सेकेंड आई का। ओके, तो ये इस तरह से आपको याद रखनी है। अब ICICI बैंक की स्थापना कब हुई तो 1994 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है और प्रमुख व्यक्ति अगर चेयरमैन पूछ ले जाए तो MK शर्मा है, संदीप बक्सी जी MD & CEO हैं और मिस्टर NS खन्नान ये हैं CFO। ओके, फिनेंशियल ऑफिसर जो हैं, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो है मिस्टर NS खन्नान। ओके, अब देखते हैं आज के सेशन का मोटिवेशन कोट क्या रहेगा। वो तो कल के सवालों के जवाब थे जो आपको हमने बता दिए। अब मोटिवेशन कोट देख लेते हैं आज का क्या रहेगा। अगर सफल होने की इच्छा प्रबल है तो लाख असफलताएं भी आपको सफलता की ओर ही धकेलती हैं। अगर आप में डेडिकेशन है कुछ कर खाने की, कुछ कर जाने की, कुछ हासिल करने की, तो फिर आपके सामने लाख असफलताएं आए, कितनी भी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट आपके सामने आए, फिर भी क्या होगा कि अगर आपका मनोबल प्रबल है बहुत ज़्यादा और आपकी इच्छा जो है सफल होने की बहुत प्रबल है तो जो भी आपकी असफलताएं हैं वो आपको सफलता की ओर ही धकेलेंगी। ठीक है, मतलब कि धकेलने से मतलब धक्का नहीं मारेंगी, तो फिर भी आपको जो आपकी असफलताएं हैं वो आपको डिमोटिवेटेड ना करके आपको मोटिवेटेड करेंगी आगे बढ़ने के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग काफ़ी समझदार हैं तो समझ तो जाते ही हैं इतना। तो वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ क्या रहेगी, विश्व गुर्दा दिवस मतलब कि किडनी डे 12 मार्च 2020 को मनाया गया, उसके लिए विषय क्या रहा है। तो विषय रहा था किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फॉर प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड एक्विटेबल एक्सेस टू केयर। ओके, अब क्वेश्चन आपको दो याद रखने हैं। एक तो किडनी डे मतलब कि गुर्दा दिवस कौन सी दिन मनाया जाता है, तो 12 मार्च को मनाया जाता है। इसके लिए थीम ये रही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवेशन सॉरी एवरी वन एवरीवेयर फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से COVID-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सी बैंक ने दवाओं और आवश्यक अन्य वस्तुओं के निर्माण और वितरण करने के लिए कंपनियों को 200 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 1480 करोड़ रुपए प्रदान करने वाला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो COVID-19 से मुकाबला करने के लिए दवाओं और अन्य जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण वितरण के लिए कंपनियों को 200 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर है मतलब कि 1480 करोड़ रुपए प्रदान करने वाला है। ADB की आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम के माध्यम से ये करेगा। अब ADB से तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की फुल फॉर्म हो गई।
मनीला फिलीपींस में इसका आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 68 सदस्य देश हैं। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के निष्कर्षों के अनुसार एक बार स्थिति कोई वापसी की सीमा तक पहुंच जाती है तो महत्वपूर्ण अमेजन का वर्षा वन कितने सालों के भीतर पेड़ों और घास के मिश्र स्वरूप के साथ एक सवाना प्रकार के पर्यावरण तंत्र में बदल सकता है। तो 50 साल में जैसा अमेजन वन था वैसा ही अमेजन का वर्षा वन हो जाएगा अगर स्थिति नॉर्मल बनी रहती है तो, क्योंकि अमेजन के बाग में जो वन थे उनमें आग लग चुकी थी जिससे बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए हैं वो वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, KPMG संस्थान के अनुसार विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए हब के रूप में भारत और चीन का क्रमांक कौन सा रहा है। मतलब कि KPMG संस्थान के अनुसार जो विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए भारत तो दूसरे स्थान पर रहा है और चीन, और भारत और चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा है। सबसे पहले स्थान पर पूछ लिया जाए तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, KPMG संस्थान के सूची के अनुसार कौन सा भारतीय उन शहरों के लिए तैयार की गई 10 रैंकिंग में शामिल है जो आधुनिक बुनियादी ढांचों के क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेंगलुरु जो है भारतीय शहर, इस जो बुनियादी ढांचे है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर जिसने अपना लोगो लॉन्च किया था, तो ये भी बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी बेंगलुरु को जानते हैं। तो कर्नाटक के बारे में जानना है तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको कर्नाटक की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, वेट, अब स्किप मत कीजिएगा वीडियो, पूरा वॉच कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी आज। ओके, किस संगठन ने COVID-19 से लड़ने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए वैश्विक व्यापार समुदाय को एक जगह बुलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एक नया कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने कोविड प्लेटफॉर्म जो है उसे प्रारंभ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन किस संस्थान के पशु संरक्षण सूचकांक में भारत का क्रमांक कितना है। तो भारत का क्रमांक है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन में दूसरा, सी रैंकिंग है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 विषाणु को क्या घोषित कर दिया। तो महामारी घोषित कर दिया गया है, WHO ने भी महामारी घोषित कर दिया है और जो पंजाब सरकार है उसने भी महामारी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GOKADAL मतलब कि GOKADAL क्लाउड में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सचेंज किस देश में शुरू किया गया है। तो भारत में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 विषाणु के प्रकोप के प्रसार को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक विभाग 12 मार्च से किस शहर में एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू कर रहा है ताकि ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार निर्दिष्ट डाकघरों से अपना पार्सल उठा सके। तो पहली बार डाक विभाग 12 मार्च से किस शहर से एक मुफ्त डिजिटल पार्सल सेवा शुरू कर रहा है, तो कोलकाता से। ओके, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में सफल अभियानों के बाद विज्ञान समागम नामक अनेक जगहों पर होने वाली भारत की विज्ञान प्रदर्शनी अब किस शहर में 20 मार्च तक जनता के लिए खुली है, तो दिल्ली में खुली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट AI अवार्ड्स 2.0 में भागीदार श्रेणी में बेस्ट AI एप्लीकेशन फॉर सॉल्यूशन इम्पैक्ट पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं, तो वो बने हैं TelView। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीवित पाककला संग्रहालय कौन सा है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो है बेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये है कहाँ पर, तो ये है कर्नाटक में। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा।
आप आज पहले क्या कीजिएगा, वीडियो वॉच कीजिए, फिर ऑडियो रिवीजन खबरी से आप कर लेना रिवीजन, उसके बाद 2x की स्पीड में फिर से वीडियो वॉच कर लेना। आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजन का स्थल क्या रहेगा, तो वो रहेगा लेह। और ये क्या है, लद्दाख की कैपिटल है। लद्दाख को यूटी बनाया गया, मतलब कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसमें जो उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर जी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, व्यक्ति विशेष से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह अनिवासी, मतलब कि जो कि भारतीय नहीं है वो व्यवसायी हैं भारत के अंदर, वह अनिवासी भारतीय व्यवसायी कौन है जिन्हें युगांडा के गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से सम्मानित किया गया है। गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से सम्मानित होने वाले भारतीय अनिवासी भारतीय व्यवसायी हैं राजेश चपलोत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की श्रेणी के हिस्से के रूप में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल फेम में शामिल किया जाएगा। तो टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में खेले गए राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है, तो वो है पंकज आडवाणी जी। ओके, इन्हें स्नूकर का सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संक्रामक कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया, तो हरियाणा ने घोषित कर दिया है। विश्व बैंक किस राज्य में चलाई जाने वाली स्रोत शाश्वतीकरण और जलवायु के अनुकूल वर्षा पर आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना के लिए 80 लाख लगभग 600 करोड़ रुपये का जो ऋण है वो प्रदान करेगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। वो क्यों दिया जाएगा कि जो शाश्वतीकरण है जलवायु में अनुकूल वर्षा पर आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना प्राप्त कराने के लिए ये ऋण दिया जाएगा। विश्व बैंक की बात होगी, वर्ल्ड बैंक की बात होगी, तो डेविड मालपास इसके हेड हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान देख लेते हैं क्या रहेगी। विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम का स्थान क्या है, तो सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका। महामारी रोग अधिनियम 1897 को पहली बार किस जगह पर विवोनिक प्लेग के दौरान लागू किया गया, तो तात्कालिक बॉम्बे राज्य में लागू किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, मुख्यालय Washington DC में है जो कि अमेरिका के अंदर आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1 जनवरी को 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। ओके, अब डिटेल करंट न्यूज़ की बात करेंगे, क्या क्या न्यूज़ रहेंगी ये भी देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप ट्विटर और शेयर चैट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से लिंक प्राप्त हो जाएगा आपको, आपको लिंक जो PDF है वो प्राप्त हो जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। ओके, एंड आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है, वहाँ से ऑडियो रिविज़न भी करना ही करना है, जिससे क्या होगा आपका वीडियो देखेंगे तो उससे थोड़ा लर्न होगा, फिर ऑडियो रिवीजन करेंगे उससे 10 times बेटर लर्न हो जाएगा। अगेन फिर आप वीडियो वॉच कीजिएगा 2x स्पीड पे, तो आपको इतना अच्छा याद हो जाएगा कि दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए खबरी ऐप पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। लड़कियों के लिए एक नया युग, ये रिपोर्ट की गई है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना, लड़कियों के लिए एक नया युग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सभी भेदभावों और कठिनाइयों को बताया गया है। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना, मतलब कि एक जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, उन्होंने लड़कियों के लिए नया युग नाम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें महिलाओं के सामने जो भेदभाव और कठिनाइयां आती है उसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है एंटी वन वंड,
अब ये क्या है एंटी वॉन्ड वॉन वॉन्ड तो देख लेते हैं। यस बैंक को वित्तीय संकटों से जूझने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने बैंक की स्थिति को स्थिर करने के लिए एक वेल आउट पैकेज दिया। पैकेज के एक भाग के रूप में बैंक के 81 बॉन्ड धारकों को लिखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन लोगों पर भारी आलोचना के कारण हुआ जिन्होंने यस बैंक के 81 बॉन्ड में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया था। ओके, अब ये तो आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता ही होगा यस बैंक पूरी तरह से डूब चुका है, जिसका अधिग्रहण SBI करने वाला है। तो इसको रखते हुए अब इन्होंने जो रिज़र्व बैंक है उन्होंने क्या है कि इसकी स्थिति को स्थिर करने के लिए, अब बैंक है उसमें तो कई लोगों का पैसा लगा हुआ है, निवेश भी किया हुआ है, उसको स्थिर तो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ही स्थिर करेगी। तो उन्होंने एक 81 धारकों को लिखने के लिए निर्णय ले लिया है, जे क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में इन्होंने निवेश किया हुआ था बैंक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक क्रियाक्रम कार्यक्रम क्रियाक्रम नहीं, ये तो गलत लिख गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके, ये होगा कार्यक्रम, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो ने पिछले साल यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से युवा कार्यक्रम युवका शुरू किया था। इस वर्ष दूसरा संस्करण 2020 मई में आयोजित होगा। ओके, अब इसमें इसरो की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, K7 इसके हेड हो जाएंगे, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में हो जाएगा। ओके, तो इतना सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महामारी रोग अधिनियम 1897, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 को भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह द्वारा लागू किया गया था। भारत में संक्रमित व्यक्तियों के टोल 73 तक पहुंचने के बाद यह अधिनियम लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ कर दिया गया है। 12 मार्च को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्रीय रेलवे रेल मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2020। 6 मार्च को लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में ध्वनि मत से इसे पारित भी कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पशु संरक्षण सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। अब जो भारत है जो पशु संरक्षण सूचकांक है उसमें सेकंड प्लेस पर है। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 12 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर था। सूचकांक में खेती और जंगली जानवरों के व्यापार में गरीब पशु कल्याण प्रथाओं का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप वायरस और बीमारियाँ फैलती हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है CSIR नकली मुद्रा नोटों पर अंकुश लगाने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक विकसित करता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सहयोग से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक की खोज की, जिसका उपयोग नकली नोटों पासपोर्ट और नकली दवाओं की पैकिंग की पहचान करने के लिए किया जाएगा। और इस कंकक जो इस ये इंक है जो इसमें रेड और ग्रीन कलर होगा, अगर रेड आएगा तो इंडेंजर, ग्रीन आएगा तो मामला ठीक होगा। ओके, इतना तो आप समझते ही हैं। स्पेशल नॉलेज में देख लेंगे प्रमुख ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे ऑपरेशन बंदर, ये किससे संबंधित है तो बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड था वो ऑपरेशन बंदर था। क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित था, तो बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उससे संबंधित था। ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित था, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ओके, ऑपरेशन सनराइज 2 भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए संयुक्त ऑपरेशन था ये। ऑपरेशन थंडर क्या था, तो रेलवे द्वारा अच्छे टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन 25 था पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री था भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन थर्स्ट अगर पूछ लिया जाए तो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों पर बिक्री के हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन सुदर्शन का कार्य था BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए इस ऑपरेशन सुदर्शन का प्रयोग किया गया था।
ओके, अब बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में आज डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका को। राजधानी होती है बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। जिले अगर बेंगलुरु कर्नाटक में पूछ ली जाए तो वो 30 है। राजभाषा कन्नड़ है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल जो है वजूभाई बालाजी हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं जो कि भाजपा पार्टी से हैं। विधानमंडल 2 सदनीय है। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। विधानसभा की सीटें जो हैं 225 हैं। राज्यसभा की सीट 12 हैं। लोकसभा की सीट जो है 28 हैं। राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो सिलेंडर लोरिस जो है राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो है वो है धनेश। उच्च न्यायालय अगर पूछ लिया जाए तो कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में गठित हुआ था। मुख्यपीठ अगर पूछ ली जाए तो बेंगलुरु में है। खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अवय श्रीनिवास ओकाजी। ओके, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग गर्कसोप्पा मैसूर में है जो कि सरावती नदी पर है। ओके, महात्मा गांधी एकमार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1924 में बेलगाम में की थी। ओके, बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर और सिलिकॉन शहर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न जो है मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। सोने की खान जो है कोलार कर्नाटक में स्थित है और भारत में सबसे ज़्यादा सोना इसी खान में मिलता है। ओके, सदाशिव राय को कर्नाटक गांधी भी कहा जाता था। मैसूर का 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। भारत का गाँव मैत्तूर जो है कर्नाटक में है। केवल यहाँ पर संस्कृत बोली जाती है और कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर एग्ज़ाम में आया हुआ है तो और भी अच्छा, नहीं आया हुआ तो ये एक ना एक दिन ज़रूर आना है। और PCS में तो ये मान लो आना ही आना है। ओके, तो भारत का जो मैत्तूर गांव है ये यहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। ओके, स्टैटिक GK में सम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सेवी की फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नीति की होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलेगा। सेवी का हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिल जाएगा मुंबई में। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, कल परसों में भी। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और CEO अमिताभ कांत जी हैं। उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार जी हैं। ओके, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की फुल फॉर्म होती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हर्ष कुमार भनबाला इसके अध्यक्ष हैं। ओके, सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो खाने योग्य भाग होता है फूल गोभी का पुष्पक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूरोन। हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। और वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। तेल दीप की बत्ती में किस क्रिया के कारण ऊपर उठता जाता है? तो केशकत्व की जो क्रिया होती है जिसके कारण तेल बत्ती से ऊपर की ओर उठता जाता है, इससे बत्ती जलती रहती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ओके, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक GK GS का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है, वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर जरूर करना है। अपनी क्वेरीज़ को मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो उसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने सपनों का अवश्य ख्याल रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा।
और जब तक आपको आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता तब तक आप अपने मन में एक ही जुनून लेके चलिए, चाहे सफल हो जाएंगे वो एक ना एक दिन सफल आप ज़रूर हो जाएंगे, उससे पहले आपके मन में एक जुनून रहना चाहिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो फिर आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर 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 कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।